ये फूले पा अस्सलाम वालेकुम, कुक विद शिरानी, वेलकम बैक। एक नई रेसिपी के साथ, एक नए तजर्बे के साथ हाजिर हूँ। मेरा तजर्बा बहुत कामयाब रहा। मैंने कहा आज मैंने गोलगप्पे बनाने ही बनाने हैं, तो मेरा तजर्बा कामयाब रहा। तो मैंने क्या किया था कि मजरी कप होता है ना, ये थर्ड आटा, आम घर वाला आटा, और चौथा हिस्सा सूजी डाल के बस नीम गर्म पानी से मैंने उसे गूंद लिया। फिर मैंने उसकी इस तरह सख्त कर, फिर मैंने इसको थोड़ा ऐल हाथ पे ऐल लगा के ऐसे कर लिया, फिर छोटी छोटी गोलियां मैंने बना ली इस तरह का। फिर गरम तेल में मैं फिर आपको एक दो करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह बहुत ही फूल गए और क्रिस्पी भी बहुत तंग। ये देखो अब इसका ये सारे मेरे फूल गए सारे। धनिया पुदीना समझ मिर्च, ये अब मैं बना रही हूँ खट्टा पानी। इमली का फल, थोड़ा सा गुड़। इधर मैंने एक मसाला बनाया, कुटी मिर्च 1 टीस्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून, व्हाइट नमक 1/2 टीस्पून, जीरा भुना कूटा 1 टीस्पून, ये सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया। आपकी मर्जी, इसे छान ले जाना छान, मैं छान के डालूंगी। बच्चों का नखरे होते हैं, कुछ मुंह में आ जाए फिर वो चाट का मसाला भी डाला इसमें। काम बड़ा लंबा है, मेहनती काम है। आपकी मर्जी, घर में बनाए या बाहर से खाए। मेरी तरह अगर शौक है तो फिर घर में बनाए। टेस्ट कर लो,
बहुत ही मजे का है, खट्टा खट्टा इमली की वजह से थोड़ा नमक कम था। थोड़ा तला नमक भी डाल दूंगी, फिर ये हो गया हमारा खट्टा पानी। अब इधर मिक्सर बनाते हैं आलू वाला। चने आलू हाथ मेरे साफ है बिल्कुल। थोड़ी फुल्की जो मसाला बनाया मैंने वो प्याज, प्याज थोड़ा इसमें भी डालूंगी। ये हो गया प्याज, मिक्स करते हैं, आपको असेंबल करके दिखाते हैं। ये हमारा ये देख, थोड़ी बड़ी मजे के क्रिस्पी। ये देखिए अभी तक क्रिस्पी है। प्याज आधा मैंने खट्टा पा दी, चलो जी ठीक है जी। हमारी गोल गप्पे वाली जो रेडी है ना तैयार हो गई है। अब हमने अपना ठेला लगा दिया। ये देखे खट्टा पानी मजे का, हमारी थोली थोली गोल गप्पे पानी पूरी ये देखे। और ये आलू वाला मिक्सचर और जो मसाला बनाया था वो, ये अगर शौक है मेहनत का तो जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे गोलगप्पे रेडी हो गए, बहुत ही मजे के चटपटे से हैं।
इंशाल्लाह आप अगर इस तरह इसकी डो लगाएंगे ना, बनाएंगे पौना कप घर वाला आम आटा व्हीट फ्लोर, उसमें और चौथा हिस्सा सूजी का डाल के मैंने सख्त डो गूंद ली थी। फिर छोटी छोटी गोलियां बना के उसको नीचे रखती थी, जो नीचे वाला हिस्सा है तेल बहुत गर्म होना चाहिए, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको नीचे ही डालना है आपने, ठीक है? तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।